नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश में महंगाई का कोहराम लगातार जारी है। मुंबई और आसपास के इलाकों में सीएनजी गैस सप्लाई करने वाली कंपनी महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी है, जिसकी वजह से मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ गई हैं। कंपनी ने सीएनजी के दाम में 2 रुपये प्रति किलो और पीएनजी के दाम में 1.50 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी है। 17 दिसंबर की आधी रात से नई कीमतें लागू हो गई हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच बूस्टर डोज की मांग तेज होने लगी है। कई देशों ने अपने नागरिकों को बूस्टर डोज देना शुरू कर दिया है। हालांकि भारत में इस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। इस बीच इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं का एक अध्ययन सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि वैक्सीन की बूस्टर डोज कितनी प्रभावी है। रिसर्च के मुताबिक बूस्टर शॉट तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ लगभग 85% सुरक्षा प्रदान कर सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विपक्षी दल खासतौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस देश को ना साम्यवाद चाहिए और ना ही समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल रामराज्य चाहिए। उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 17वीं विधानसभा के अंतिम सत्र को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि आज के युग का जो सबसे बड़ा अंधविश्वास है वो समाजवाद है और इससे कई बहुरूपिया ब्रांड है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अपने बयानों के लिए लगातार चर्चा में बने रहते हैं। इसी बीच एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू की जुबान फिसल गई है। सिद्धू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने गाली दी। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू से लेबर कार्ड बांटने से जुड़ा सवाल पूछा गया था, इसका जवाब देते हुए उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। भारत ने ओडिशा के बालासोर तट से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। शनिवार को मिसाइल की सफल टेस्टिंग की गई है। सरकारी अफसरों की तरफ से ये जानकारी दी गई है। बताया गया है कि अग्नि पी अग्नि श्रेणी के मिसाइल की नई पीढ़ी का एडवांस वर्जन है। यह एक कैनिस्टराइड मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। केंद्र कोलकाता नगर निगम के चुनाव के लिए 6 घंटे के अंदर फोर्स भेज सकता है। शुक्रवार को कोलकाता हाईकोर्ट के केएमसी चुनाव से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को यह बात कही है। जहां एक तरफ शासन प्रशासन स्कूल को दोबारा शुरू करने की जद्दोजहद में लगे हैं, वहीं बच्चों तक पहुंच रहे संक्रमण ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। नवी मुंबई के स्कूल में मास टेस्टिंग के दौरान 16 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी छात्र कक्षा 8वीं से 11वीं तक में पढ़ते हैं। 18 दिसंबर को स्कूलों में हुई मास टेस्टिंग के दौरान 600 स्टूडेंट्स का परीक्षण किया गया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोरोना वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी मिल गई है। कंपनी के सीईओ अदार पुनावाला ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स को आपातकालीन उपयोग के लिए WHO की मंजूरी मिल गई है। भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी की 5वीं वर्षगांठ के समारोह के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वुओंग दिन हुई को 1958 में सप्रू हाउस में पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति को हो ची मिन्ह की एक तस्वीर भेंट की है। समारोह के हिस्से के रूप में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वुओंग दिन हो के साथ फोटो प्रदर्शनी में भाग लिया था। उत्तर प्रदेश पंजाब सहित 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। एबीपी न्यूज के सी वोटर पर अब हर रोज चुनावी राज्यों का मूड बता रहे हैं। पंजाब पर यह सर्वे 7 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में किया गया था, जिसमें 5,687 लोगों की राय ली गई। इस सर्वे में हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में 29% लोगों का यह मानना है कि राज्य में आप चुनाव जीते। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड ने अपने ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 में NCR को दिल्ली के 100 किलोमीटर के दायरे में सीमित करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य NCR क्षेत्र का ज्यादा केंद्रित और सतत विकास करना है। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि 100 किलोमीटर के दायरे के बाहर के वर्तमान के NCR में एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के 1 किलोमीटर के दायरे में लीनियर कॉरिडोर विकसित किया जाए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज यानी 18 दिसंबर से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। इस दौरान वो पुणे में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मियों से बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर में अब 24 घंटे बिजली आपूर्ति होगी। इसके लिए सरकार 200 मेगावाट सौर ऊर्जा अगले 25 साल तक खरीदेगी। भारतीय सौर ऊर्जा निगम से बिजली की खरीद होगी। इस पर सालाना 110.37 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये फैसला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक में किया गया है।
राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। ऐसे में पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए आम लोग भी आगे आ रहे हैं। ऐसे ही में दिल्ली के ऑटो चालक अपने अभिनव प्रयोग से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने ऑटो की छत को ही मिनी गार्डन में तब्दील कर दिया है। उनका उद्देश्य प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान देना है। पर्यावरण को बचाने के लिए यह प्रयास गोपालपुर गाँव के रहने वाले ऑटो चालक महेंद्र कुमार ने किया है। WHO के अनुसार अब तक COVID-19 77 देशों में फैल चुका है और कोरोना के किसी भी वेरिएंट की तुलना में ज्यादा रफ्तार के साथ लोगों को संक्रमित कर रहा है। इस बीच संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी देश एहतियात के तौर पर लॉकडाउन लगाने को लेकर टेस्टिंग बढ़ाने सहित तमाम कोशिशें कर रहे हैं। वहीं COVID-19 रणनीति पर नीदरलैंड को सलाह देने वाले स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए देश को पूर्ण लॉकडाउन करना होगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित 8,706 मरीज ठीक हुए हैं और 1,850 सक्रिय मामले घटकर 84,565 रह गए हैं। इस बीच कल देश में 62,06,244 कोविड टीके लगाए गए और इसके साथ ही कुल टीकाकरण संख्या 1,36,66,05,173 हो गई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 7100 के आसपास मामले सामने आए हैं। ओडिशा सरकार ने राज्य के केंद्रपारा क्षेत्र में 1.02 लाख करोड़ रुपए में एकीकृत स्टील मिल बनाने के आरसेलर मित्तल निपोन स्टील के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण ने केंद्रपारा के महाकालपारा ब्लॉक में 24 मिलियन टन प्रतिवर्ष एकीकृत इस्पात कारखाने के निर्माण के लिए व्यापार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बिहार सरकार ने औद्योगीकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बहुत विशेष योजना लॉन्च की है। इस योजना के मुताबिक बिना किसी ब्याज के उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक लोन प्राप्त हो सकेगा और इस स्कीम में लोन का आधा भाग ही मतलब सिर्फ यानी कि 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम महिला उद्यमी योजना और सीएम युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की फिल्म स्पाइडर मैन नो वे होम 16 दिसंबर को भारत में रिलीज हो गई है। लंबे समय से भारत दर्शकों को इस फिल्म का इंतजार था। गुरुवार यानी 16 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने 32.67 करोड़ रुपए कमाए। वहीं दूसरे दिन शुक्रवार को फिल्म ने 22 से 23 करोड़ का कलेक्शन किया है। दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में बड़ी गिरावट देखी गई है जो कि साउथ के क्षेत्रों में हुई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के फैसले पर मोदी सरकार की आलोचना की है। साथ ही उन्होंने इसे हास्यास्पद करार दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत ने पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,145 नए मामले जोड़े हैं और 289 लोगों की जान गई है। देश में दैनिक सकारात्मक दर 0.57% थी जो कि 75 दिनों के लिए 2% से कम है। पिछले 21 दिनों में दैनिक COVID-19 मामले 10,000 के निशान से नीचे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति और नई यातायात योजना को मंजूरी दे दी गई है। वहीं सेंट्रल विस्टा और केंद्रीय सचिवालय के लिए भी नई यातायात योजना को मंजूरी दे दी गई है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में DDA और UT पैक सहित दिल्ली यातायात पुलिस और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। शेयर बाजार के विषय में हमेशा एक बात कही जाती है कि अगर सोच समझकर निवेश किया है तो बेहतर रिटर्न के लिए इंतजार करना हमेशा फायदेमंद रहता है। ऐसे ही कुछ देखने को मिला ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी के शेयरों के साथ। महज 3 साल में इस कंपनी के शेयर ने निवेशकों को मालामाल बना दिया। इस दौरान इस शेयर ने 9,000% रिटर्न दिया है। कारों, दोपहिया और तिपहिया बसों और मिनी ट्रकों के बाद अब ऑल इलेक्ट्रिक जाने के लिए ट्रैक्टरों की बारी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में एक बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च करेंगे जो कृषि उपज की कुल लागत को कम कर सकता है। इससे किसानों को मंडी तक अपने उत्पाद पहुंचाने में लागत कम लगेगी, साथ ही उन्हें जुताई करने में भी कम लागत आएगी। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने शनिवार को कहा कि युद्ध की प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हो रहे हैं और भारत की सुरक्षा परिदृश्य में बहुआयामी खतरे एवं चुनौतियां शामिल हैं जिनके लिए कई क्षेत्रों में क्षमता निर्माण की आवश्यकता होगी। चौधरी ने यहां के पास डुंडीगल में वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड को संबोधित करते हुए कहा कि वायुसेना राफेल विमान, अपाचे हेलीकॉप्टर और व्यापक अत्याधुनिक प्रणालियों को शामिल करके एक अत्यधिक शक्तिशाली वायुसेना में बदल रही है। हवाओं को छीरते हुए जेट एयरवेज के विमान एक बार फिर से जल्द ही आसमान की सैर करते हुए नजर आएंगे। जी हां, दिवालिया हो चुकी जेट एयरवेज की बोली जीतने वाले ग्रुप जलान कॉलड्रॉक कंसोर्टियम अगले गर्मी यानी कि अगले साल के 6 विमानों के साथ डोमेस्टिक एयरलाइंस सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर अब सफर करना और ज्यादा आसान होने वाला है। आपको अब यमुना एक्सप्रेसवे पर घंटों टोल प्लाजा पर जाम नहीं
मिलेगी। दिसंबर के अंत तक सभी टोल बूथों को फास्टैग से शुरू कर दिया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों उत्तर पर अभी तक 6-6 लाइन पर फास्टैग की व्यवस्था की गई थी। एक्सप्रेसवे पर फास्टैग लाइन की संख्या बढ़ने से वाहन चालकों को काफी राहत मिलेगी। भारत की स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम के निर्माण संयोजन एकीकरण टेस्ट और सप्लाई के लिए सफलतापूर्वक एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है। बता दें कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम को ABHYS के रूप में जाना जाता है। केबीसी के हालिया एपिसोड के अंत में हरभजन सिंह के लिए एक वीडियो मैसेज आता है। वीडियो में क्रिकेटर की पत्नी गीता बस्रा और उनकी बेटी होती है। गीता उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा पति बताती है। वहीं उनकी बेटी भी अपने पापा के लिए एक स्पेशल मैसेज देती है। वो अपने पिता को दुनिया का सबसे अच्छा पिता बताती है और आई लव यू भी कहती है, जिसके बाद हरभजन सिंह काफी ज्यादा इमोशनल नजर आते हैं और उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। केंद्र सरकार ने अगले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है और तीनों सेनाओं से मिली सिफारिशों के आधार पर नामों की सूची मंजूरी के लिए शीघ्र ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी जाएगी। रक्षा क्षेत्र के आला अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है श्याम बाबू कुमार, अनवर हुसैन, निधि चौधरी, जितेंद्र ठाकुर, राम बाबू कुमार, रमन कुमार खान अली, मुन्ना यादव, विजय कुमार, चुनमुन कुमार, राखी शर्मा, प्रिंस कुमार, गुड्डू कुमार, प्रियतम कुमार, राजीव कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार ओमिक्रॉन के संभावित खतरों को देखते हुए भारत सरकार को कौन सा कदम सबसे पहले उठा लेना चाहिए? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।